पवई नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 6 में बनकर तैयार नवनिर्मित स्कूल भवन प्रशासनिक अनदेखी का शिकार हो रहा है। दरअसल 2014-15 में स्कूल को बनाने की स्वीकृति मिल गई थी। भवन का निर्माण अनुबंधन 12.5 लाख में नगर परिषद पवई से हुआ था और भवन के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग ने 10,62,500 रुपए का भुगतान किया है, जबकि बकाया राशि लंबित है। जब इसकी शिकायत नगर परिषद उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे परमार से की गई तो वो स्कूल का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देने पहुंची और उनके द्वारा उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। नंबर 6 में आदिवासी मोहल्ला में प्राथमिक शाला का भवन स्वीकृत था 14-15 में, जिसकी स्वीकृत राशि 12,50,000 है और ये सब शिक्षा अभियान से स्वीकृत है। जिले से राशि भी निर्माण कार्य हेतु 10,62,500 संबंध नगर पंचायत को प्रदाय कर दी गई है और चूंकि वहाँ आदिवासियों के घर हैं और उनके पास स्वयं के रहने के लिए मकान नहीं है, इस बात की पहल हमने भी नगर पंचायत में की। मैं आदिवासी मोहल्ला स्कूल निरीक्षण के लिए गई थी। वर्ष 2015-16 में स्कूल की बिल्डिंग स्वीकृत की गई थी, जिसका कार्य 12 नवंबर तक पूर्ण नहीं हुआ है। आदिवासी मोहल्ला वार्ड नंबर 6 में है, जो आदिवासी बच्चों के लिए बनाया जा रहा था। शासन आदिवासियों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। आज भी स्कूल प्रधानमंत्री आवास बिल्डिंग में संचालन हो रहा है।